जय हिंद जय भारत तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर स्पेशल जीके के टॉप थर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो आज बात करें जीके के स्पेशल क्लास आपकी रहेगी टॉप थर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्पेशली आपकी रहेगी आर्मी अग्निवीर के लिए क्लासेस तो ये क्लास नंबर तीन आपकी रहेगी दो क्लासे कर चुका हूं और एक रूजन क्वेश्चन भी आपके लिए करवा चुका हूं वो वीडियो अभी तक आपने देखी नहीं है उन्हें भी आप जाके चेक कर सकते हैं थर्टी क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए टारगेट जो है क्वेश्चन रहेगा अगर नए स्टूडेंट है पुराने स्टूडेंट है तो आपके लिए ट्वेंटी फाइव टारगेट रहेगा चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से और वीडियो करतेम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य जल्दी से बताइए भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम क्लासिकल डांस ऑफ बिच स्टेट ऑप्शन आपके हैं केरला आंध्र प्रदेश ओडिशा या फिर तमिलनाडु इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन या फिर बात करूं शास्त्रीय नृत्य से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है शास्त्रीय नृत्य से तो राइट आंसर क्या रहेगा भरतनाट्यम जो है किस राज्य से संबंधित है तमिलनाडु से संबंधित है ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु दोस्तों इसका राइट आंसर आ रहेगा क्वेश्चन नंबर दो आपके सामने है किस किस शास्त्रीय नृत्य का संबंध केरल राज्य से है क्लासिकल डांस इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ करला ऑप्शन आपके हैं भरतनाट्यम कथक कली कुपुड़ी या फिर मणिपुरी जल्दी से दोस्तों बताइए कि, कि किसका केरल राज्य से किस शास्त्रीय नृत्य का संबंध है तो राइट आंसर रहेगा कत्थक कली ऑप्शन नंबर वी कथक कली किस राज्य से संबंधित है आपके केरल राज्य से संबंधित है और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करा जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और साथ में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके सामने आंध्र प्रदेश से संबंधित नृत्य है बिच डांस इज रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश ऑप्शन आपके यहाँ कुचिपुड़ी कथक कली मोहिनी अट्टम या फिर मणिपुरी जल्दी से बताइए आंध्र प्रदेश से कौन सा शास्त्रीय नृत्य संबंधित है कुचिपुड़ी आपका संबंधित है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट रहेगा तो ए आपका इंपोर्टेंट है कुछ बुढ़िया आपके हर साल पूछा गया है क्वेश्चन नंबर चार आपके सामने है ओडिशा किस राज्य का प्राचीन नृत्य है ओडिशी इज दी एनिसेंट डांस ऑफ बीच स्टेस तो यहां पर पूछा है ओडिशी किस राज्य का प्राचीन नृत्य कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं शास्त्रीय नृत्य है ऑप्शन है? आपके हैं मणिपुर ओडिशा राजस्थान या फिर महाराष्ट्र राइट आंसर आपको सभी होता है ओडिसी जो है किस राज्य से संबंधित है ओडिशा राज्य से संबंधित है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर पांच आपके सामने है कथक या कथक मूल रूप से कहां का शास्त्रीय नृत्य कथक इज ओरिजिनली ए क्लासिकल डांस फ्रॉम ऑफ ऑप्शन आपके हैं उत्तर भारत आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश या फिर कर्नाटक चलिए दोस्तों जल्दी से राइट आंसर बताइए कथक जो है यह किस राज्य या फिर कहां का एक शास्त्रीय नृत्य है उत्तर भारत का एक इंपॉर्टेंट नृत्य है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहां पर राइट आ रहेगा क्वेश्चन नंबर छह आपके सामने है मणिपुरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी इज एन एनिसेंट डांस ऑफ बिच स्टेट ऑप्शन आपके हैं मणिपुरी ओडिशा राजस्थान या फिर महाराष्ट्र तो मणिपुर किससे संबंधित है मणिपुर से संबंधित है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट रहेगा सात जो ठीक है सात मोस्ट इंपोर्टेंट शास्त्रीय नृत्य है उन्हें याद कर लोगे तो आपका एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा और ये आपको ऐसे ही रट्टा मार के याद हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर सात आपके सामने है मोहिनी अट्टम का संबंध किस शास्त्री या फिर कह सकते हैं किस राज्य से है मोहिनी अट्टम जो है ये किस राज्य से संबंधित है ऑप्शन है केरला आंध्र प्रदेश ओडिशा या फिर तमिलनाडु मोहिनी अट्टम इज रिलेटेड टू बिच स्टेट ऑफ इंडिया ऑप्शन आपके सामने है राइट आंसर क्या रहेगा केरल इसका ऑप्शन नंबर केरल इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर आठ आपके सामने है मोस्ट इंपोर्टेंट है यामिनी कृष्णा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है यामिनी यामिन इज रिलेटेड टू बिच इंडियन डांस ऑप्शन आपके सामने है भरतनाट्यम कथक गली कुचिपुरी या फिर मणिपुरी जल्दी से बताइए यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है यह आपकी भरतनाट्यम से संबंधित है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट अरेगा क्वेश्चन नंबर नाइन आपके सामने है वैजंती माला किस शास्त्रीय नृत्य से माफ करिए किस शास्त्रीय संगीत यहां पर शास्त्रीय नृत्य होगा वैजयंती माला किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है या फिर शास्त्रीय नृत्य से संबंधित होगा संगीत हो गया माला इज रिलेटेड टू या रिलेटेड क्लासिकल डांस फ्रॉम ऑप्शन आपके हैं भरतनाट्यम कथिकली कुचिपुड़ी या फिर मणिपुरी तो महन क्या वैजयंती माला वैजयंती माला किससे संबंधित है भरत नाट्य से संबंधित है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर दस आपके सामने है लच्छू महाराज प्रमुख नृत्यक हैं लच्छू महाराज प्रमुख नृत्यक हैं यानी किस द, किस डांस से संबंधित है, है। लच्छू महाराज इज मेन डांसर ऑफ कथक मणिपुरी कथक कली या इनमें से कोई नहीं जल्दी से बताइए लच्छू महाराज जो है ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं कथक से संबंधित है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा और वीडियो को लाइक नहीं करा दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर दस ग्यारह आपके सामने है शंभू महाराज का संबंध किस नृत्य से है शंभू महाराज का संबंध किस नृत्य से है विद विच डांस इज शंभू महाराज रिलेटेड ऑप्शन आपके सामने कथक मणिपुरी कथकली या फिर इनमें से कोई नहीं जल्दी से बताइए शंभू महाराज जो है किस नृत्य से संबंधित है कथक से संबंधित है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है निम्न में से किसका संबंध कथक से है हो हो अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कथक ऑप्शन है हेमा मालिनी श्रीदेवी यामिनी मूर्ति या फिर बिरजू महाराज कथक से किसका संबंध है किसका संबंध है बिरजू महाराज जो है किससे संबंधित है कथक नृत्य से संबंधित है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर तेरह आपके सामने है मालविका सरकार किस शास्त्रीय नृत्य से या किस शास्त्र नृत्य शैली से संबंधित है ऑप्शन है कुचिपुड़ी मणिपुरी कथक कली या फिर कथक मालविका सरकार इज रिलेटेड टू बिच क्लासिकल डांस फॉर्म तो जल्दी से बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मालविका सरकार किससे संबंधित है यह आपकी कथक से संबंधित है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं हेमा मालिनी का संबंध किस नृत्य से है हेमा मालिनी इज रिलेटेड टू ऑप्शन आपके दोस्तों भरतनाट्यम मणिपुरी कथक कली या फिर मोहिनीअटम तो किससे संबंधित है हेमा मालिनी जो है या फिर कह सकते हैं जितनी भी एक्ट्रेस जो थी ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी ये आपकी मोहिनीअट्टम से संबंधित थी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आपके सामने है श्रीदेवी किस एक शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी श्रीदेवी फेमस फॉर विच वन क्लासिकल डांस ऑप्शन है भरतनाट्यम मणिपुरी कथकली या फिर मोहिनी अट्टम तो पहले बता चुका हूँ जो मैक्सिमम आपकी एक्ट्रेस थी किसके लिए फेमस थी मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध थी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर सोलह आपके सामने है किस शास्त्र नृत्य का किस शास्त्र नृत्य का संबंध जो है भगवान जगन्नाथ से है बीच क्लासिकल डांस विद आपके सामने है भरतनाट्यम मणिपुरी कथक कली या फिर ओडिशी तो शास्त्र नृत्य जो भगवान जगन्नाथ से संबंधित है उसका नाम क्या है उसका नाम है आपका ओडिसी क्या ओडिसी जो है, है, है किससे आपका भगवान जगन्नाथ से संबंधित है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और साथ में एक क्वेश्चन आपके लिए जो ठेके एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा जो कि आपको लास्ट में बताया जाएगा क्वेश्चन नंबर सत्रह आपके सामने है मृग नालिनी साराभाई मृग नालिनी सारा भाई का संबंध किस नृत्य से है विद विच डांस इज मृ नालिनी सारा भाई रिलेटेड अब मरी नालिनी सारा भाई जो है किसकी पत्नी थी ये थी आपकी विक्रम साराभाई की पत्नी थी क्या विक्रम साराभाई डॉक्टर विक्रम साराभाई जिसे इसरो का क्या कहा जाता है ठीक है यह आपके साइंटिस्ट थे और इनकी पत्नी थी मृग नालिनी साराभाई ये किस डांस से संबंधित थी ऑप्शन आपके सामने है मणिपुरी कुचिपुड़ी भरतनाट्यम या फिर कथकली जल्दी से टाइट राइट आंसर क्या रहेगा मृग नालिनी सारा जो थी ये किससे संबंधित थी कथक कली से संबंधित थी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर अठारह आपके सामने है यामिनी कृष्णा मूर्ति का संबंध और किस शास्त्रीय नृत्य से यामिनी कृष्णा मूर्ति आपकी किस संबंधित थी भरतनाट्यम से संबंधित थी और साथ में और किस डांस से संबंधित है यामिनी कृष्णा मूर्ति इज रिलेटेड टू बिद या फिर बिच अदर क्लासिकल डांस ऑप्शन है मणिपुरी कुचिपुड़ी कथक कली या इनमें से कोई नहीं जल्दी से बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं और किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है कुचिपुड़ी से संबंधित है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट अरे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा और कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य था आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य था यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 आपके साँग सामने है लावनी किस राज्य का एक लोक नृत्य है अब लोक नृत्य आपके पूछे जा रहे हैं तो जल्दी से बताइए लावनी ए फ्लोक डांस ऑफ बीच स्टेट ऑप्शन है बिहार वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र या फिर ओडिशा जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है महाराष्ट्र का लोक नृत्य ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर बीस है तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तमाशा इज ए डांस ऑफ बीच स्टेट ऑप्शन है बिहार वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र या फिर ओडिशा यहां ओडिशा होगा ठीक है ओडिशा जल्दी से बताइए किस राज्य का तमाशा जो है लोक नृत्य है तो सही आंसर क्या रहेगा महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर इक्कीस आपके सामने है नौटंकी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है नोटंकी फोक डांस इज रिलेटेड टू बिच स्टेट ऑप्शन आपकी हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। जल्दी से बताइए नौटंकी जो है ये किस राज्य से संबंधित है उत्तर प्रदेश से संबंधित है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है अट्टम किस राज्य का नृत्य है कालियट्टम इज द डांस ऑफ बिच स्टेट ऑप्शन आपके ध्यान से सुनिएगा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटका राज्य का एक लोक नृत्य या फिर किस राज्य का एक नृत्य किस राज्य से संबंधित है आंध्र प्रदेश से संबंधित है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर तेईस आपके सामने है कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य ए फेमस फलोक डांस ऑफ स्टेट कर्नाटका कर्नाटक से कौन सा नृत्य संबंधित है ऑप्शन कुचिपुड़ी गरबा काठपुतली या फिर यक्षगान जल्दी से बताइए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कर्नाटक से कौन सा लोक नृत्य संबंधित है यक्षगान जो है किससे संबंधित है कर्नाटक राज्य से संबंधित है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर चौबीस आपके सामने है डांडिया किस राज्य से संबंधित है डांडिया इज रिलेटेड टू बिच स्टेट ऑप्शन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात जल्दी से बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके रिपीटेड रहता है हर साल पर किसी किसी क्वेश्चन में ही पूछा जाता है हर साल आता तो है पर एक ही क्वेश्चन में पूछा जाता है तो डांडिया किससे संबंधित है गुजरात से संबंधित है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट रहेगा क्वेश्चन से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा चैनल सब्सक्राइब अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब भी दोस्तों कर लेना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर पच्चीस है कठपुतली लोक नृत्य डैश से संबंधित है कठपुतली जो है ये किस राज्य से संबंधित है जल्दी से बताइए गोवा राजस्थान लक्षद्वीप या फिर अरुणाचल प्रदेश पपेट फ्लॉग डांस डैश इज रिलेटेड टू द कठपुतली जो है ये किस राज्य से संबंधित है राजस्थान से संबंधित है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट कर लीजिएगा क्या राजस्थान क्वेश्चन नंबर छब्बीस आपके सामने है गरबा किस राज्य का एक लोक नृत्य गरबा जो है किस राज्य का एक लोक नृत्य है ऑप्शन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात गरबा इज ए पॉपुलर डांस इन बिच स्टेट और गरबा जो है ये पूरे भारत में कह सकते हैं पूरे विश्व में आपका डांडिया और जो गरबा है प्रसिद्ध है और गरबा किस राज्य से संबंधित है ये गुजरात से संबंधित है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर सताइस आपके सामने है जम्मू का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है ए फेमस फ्लॉक डांस ऑफ जम्मू इज ऑप्शन है मुखौटा नृत्य युद्ध नृत्य बांगड़ा नृत्य या फिर राव ये फेमस डांस है जम्मू का जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है जिसे किस नाम से जाना जाता है राव के नाम से जाना जाता है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राव इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस आपके सामने है युद्ध नृत्य कला किस राज्य से संबंधित है यह युद्ध का नाम है ठीक है नृत्य का नाम है युद्ध नृत्य किस राज्य से संबंधित है अरुणाचल प्रदेश हरियाणा तमिलनाडु या फिर कर्नाटका द आर्ट ऑफ बॉर डांस इज रिलेटेड टू बिच स्टेट जल्दी से बताइए किस राज्य से संबंधित है यह आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर उनतीस आपके सामने है भांगड़ा प्रसिद्ध लोक नृत्य है किस राज्य में या फिर किस राज्य का भांगड़ा इज ए फेमस लोक डांस इन बिच स्टेट ऑप्शन पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश या फिर चंडीगढ़ और भांगड़ा जो है आपका हरियाणा और राजस्थान माफ कीजिए पंजाब और हरियाणा में दोनों में प्रसिद्ध है पर इसे जाना किसके लिए जाता है इसे जाना जाता है पंजाब राज्य के लिए ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट

पहला क्वेश्चन क्या था पहला क्वेश्चन आपके सामने था भरतनाट्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य नेक्स्ट क्वेश्चन था केरल से किस राज्य का संबंध है केरल से किस दरा, आ, किस नृत्य का संबंध है कथक कली का संबंधित है आंध्र प्रदेश से संबंधित नृत्य कौन था कुचिपुड़ी नेक्स्ट क्वेश्चन था ओडिस किस राज्य से संबंधित है ओडिशा से संबंधित है नेक्स्ट था कथक किस राज्य से संबंधित है या कहां से संबंधित है उत्तर भारत से संबंधित है मणिपुरी किस राज्य का प्राचीन नृत्य था मणिपुर का प्राचीन नृत्य था नेक्स्ट क्वेश्चन था मोहिनी अट्टम किससे संबंधित है केरल राज्य से संबंधित है नेक्स्ट क्वेश्चन है यामिनी कृष्णामूर्ति का संबंध किस नृत्य से था भरतनाट्यम से था वैजयंती माला किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी भरतनाट्यम से संबंधित थी नेक्स्ट क्वेश्चन है लच्छू महाराज का प्रमुख नृत्य थे ये कथक के प्रमुख नृत्य थे नेक्स्ट क्वेश्चन है शंभू महाराज का संबंध किस नृत्य से है तो शंभू महाराज जो है कथक से संबंधित है क्वेश्चन नंबर है कथक से संबंधित है बिरजू महाराज जो है किससे संबंधित है कथक नृत्य से संबंधित है नेक्स्ट क्वेश्चन है मालविका सरकार किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है ये कथक से आपकी संबंधित है वाली किस नृत्य से संबंधित है वाली मोहिनी अट्टम से आपकी संबंधित है नेक्स्ट क्वेश्चन e है श्रीदेवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी मोहिनी अट्टम से संबंधित थी नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान जगन्नाथ से संबंधित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य जो है भगवान किससे भगवान जगन्नाथ से संबंधित है नेक्स्ट क्वेश्चन है मृ लालनी सारा भाई का संबंध किस शास्त्र नृत्य से था कथक कली से कहा किस नृत्य से संबंधित थी कुछ ही पुड़ी और भरतनाट्यम से संबंधित है है नेक्स्ट क्वेश्चन लावणी किस राज्य का एक लोक नृत्य है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है ये आपका महाराष्ट्र से संबंधित है नेक्स्ट क्वेश्चन है नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य था उत्तर प्रदेश का लोक नेक्स्ट क्वेश्चन है, है कालीयट्ट किस से से से? से है, से है? है, से राज्य से संबंधित है आंध्र प्रदेश से संबंधित है कहां से आंध्र प्रदेश से आपका संबंधित संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक राज्य से लोक नृत्य कौन सा है यक्षगान जो है यक्षगान कहां से संबंधित है कर्नाटक राज्य से संबंधित है नेक्स्ट क्वेश्चन है डांडिया किस राज्य से संबंधित है डांडिया आपका गुजरात से संबंधित है और याद रखिए डांडिया जो है यह आपका पूरे विश्व में प्रसिद्ध है नेक्स्ट क्वेश्चन है कुटपुतली माफ कीजिए कठपुतली लोक नृत्य किससे संबंधित है कठपुतली राजस्थान से संबंधित है नेक्स्ट क्वेश्चन है गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है गरबा आपका गुजरात से संबंधित है नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है राव जो है ये जम्मू का एक नृत्य है नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध नृत्य कला तो युद्ध नृत्य कला जो है किस राज्य से संबंधित है ये आपके अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है नेक्स्ट क्वेश्चन है बांगड़ा प्रसिद्ध लोक नृत्य है कहाँ का पंजाब का द क्वेश्चन नंबर लास्ट है मुखोटा किस राज्य का नृत्य है मुखोटा आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है ऑप्शन नंबर ए इसका दोस्तों राइट रहेगा लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है गिद्धा इज ए फ्लॉक डांस ऑफ बिच स्टेट ऑप्शन है पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश या फिर चंडीगढ़ जल्दी से राइट आंसर इसका बताइए जल्दी से बताइए तीस में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है वीडियो को शेयर करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मिलते हैं अगर शानदार वीडियो में तब तक अपने ख्याल रखिए अपने गर्वल का ख्याल रखिए जय हिंद जय भारत